हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त बनी परकसनिस्ट। वेलकम टू माय चैनल। एंड इन दिस वीडियो मैं लेकर आया हूं आपके लिए द पैच सेटिंग ऑफ ऊपर खुदा। जी हां, रोलैंड एसपीडी 20 एंड रोलैंड एसपीडी 20X के लिए द पैच सेटिंग ऑफ ऊपर खुदा। इस वीडियो में मैंने पहले इस पैच की एडिटिंग दिखाई है, फिर इसको कैसे बजाना है वो भी दिखाया है। सो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। और आपको ये पैच कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस सॉन्ग का मैंने कवर भी तैयार किया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और आप सभी दोस्तों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ मैंने प्री डिले का यूज़ किया है, सो आपको आउटपुट एल मोनो के बजाय आर से ही लेना है। सो आप सभी दोस्तों को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे नए दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सारी नई वीडियो अब तक जल्दी पहुंच जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं द पैच सेटिंग ऑफ ऊपर खुदा। सो दोस्तों, ये पैच बनाने के लिए पहले हम देख लेते हैं हमें कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो दोस्तों, पहले हम बैंक ए में देखेंगे और उसके बाद बैंक बी के सारे साउंड के पैरामीटर देखेंगे। सो पहले बैंक ए में देख लेते हैं। सो बैंक ए के लिए यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ रहेगा B47 किक, यहाँ रहेगा कैपिटल ई 23 शॉर्ट, यहाँ रहेगा स्मॉल एच 27 क्लोज हाई हैट, यहाँ एक खंजरी यूज़ किया है मैंने जो ऑफ बीट में बजती है। सो उसका नंबर है स्मॉल ओ 01। यहाँ मरकस है कैपिटल एल 23, यहाँ भी मरकस है एल 23, यहाँ क्लैप का यूज़ किया है मैंने कैपिटल ए 15 और यहाँ है स्मॉल एच 27 क्लोज हाई हैट। ये सारे बैंक ए के लिए इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लेवल। सो यहाँ से शुरू करते हैं। बैंक ए के लिए लेवल रहेंगे 12, 10, 15, 15, 12, 12, 14, 15। लेवल के बाद नेक्स्ट सेटिंग रहती है हमारी पिच। सो यहां से शुरू करते हैं। पिच -6, -5, 4, 10, 0, 0, 4, 4। दोस्तों, मैं बहुत से वीडियो में कह चुका हूँ कि किसी भी पैच के लिए लेवल और पिच बहुत मायने रखती है। सो आप ये चीज़ें बहुत ध्यान से नोट करें। सो नेक्स्ट, पिच के बाद हमारी नेक्स्ट सेटिंग रहती है डीके। सो डीके यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ रहेगा 4, 15, 29, 19, 7, 15, 19, 15। डीके के बाद हमारी नेक्स्ट सेटिंग रहती है पैन। सो दोस्तों, यहाँ ध्यान रखें, मैंने यहाँ प्री डिले का यूज़ किया है। सो हमें जहाँ जहाँ मैंने प्री डिले यूज़ किया है वहाँ L7 रखना है। और जो भी मेरे दोस्त SPD20 वाले हैं वो अपनी तरह से वहाँ प्री डिले यूज़ करें। जहाँ भी मैंने L7 यूज़ किया है वहाँ SPD20 वाले अपनी तरह से प्री डिले का यूज़ करें। सो पैन, यहाँ सेंटर, 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 L7। दोस्तों, खंजरी ऑफ बीट में बजती है। आप ध्यान से सुनोगे तो आपको ध्यान आएगा कि खंजरी ऑफ बीट में बजती है, इसलिए यहाँ मैंने प्री डिले का यूज़ किया है L7। सेंटर, सेंटर, सेंटर और यहाँ हाई हैट में L7, क्योंकि जो हाई हैट ओपन बजती है उसको बंद करने के लिए यहाँ मैंने
हाई हेट क्लोज को यूज़ किया है और वो प्री डिले में है, उसको भी यहाँ रखना है L7। कर्व दोस्तों, सारे इंस्ट्रूमेंट में हमें कर्व EXP4 ही रखना है। जो भी इंस्ट्रूमेंट मैंने यहाँ यूज़ किए हैं वहाँ हमें कर्व की सेटिंग EXP4 ही रखनी है सारे इंस्ट्रूमेंट में। FX सेंड देख लेते हैं। यहां से शुरू करते हैं, 0 0 0, 15 15 15, 0 15। सो दोस्तों, बैंक ए के लिए साउंड पैरामीटर की सेटिंग यहां खत्म होती है। हम नेक्स्ट बैंक बी में देख लेते हैं। सो बैंक बी में यहां से शुरू करते हैं, यहां B46 किक, यहां मैंने दोस्तों B47 किक और B46 का एक लेयर यूज किया है जिससे जो सॉन्ग में बजा हुआ किक का फील आ सके। यहां रहेगा D02 हैंड क्लैप, यहां मरकस है L23, ढोलक का ता I22, T28। यहां दोस्तों ढोलक में आप यहां मरकस भी रख सकते हैं अगर आप लाइव में बजा रहे हो और ढोलक और तबला वाले दोनों अवेलेबल हो और आपको ये ढोलक का ता नहीं बजाना है तो आप यहां मरकस भी यूज़ कर सकते हैं जिससे जो सॉन्ग में बजने वाला मरकस दोनों टाइप से बजता है, यहां भी मरकस बजता है। लेकिन अगर आप अकेले हो या फिर तबला वाला ही आपके साथ हो तो आपको यहाँ ढोलक रखना है, और अगर आपके पास ढोलक और तबला वाला अवेलेबल हो तो आप यहां ढोलक का ता निकाल के यहां मरकस L23 भी रख सकते हैं। ओके, यहां रहेगा T28 टॉम, T27 टॉम, यहां ऑफ है, और यहां रहेगा स्मॉल H 29 ओपन हाई हेट। इंस्ट्रूमेंट के बाद नेक्स्ट हम जाते हैं लेवल पर। सो यहां रहेगा 15 10 15 8 11 12 15 15। लेवल के बाद हमारी नेक्स्ट सेटिंग रहती है पिच। सो बैंक बी के लिए पिच सेटिंग -6 2 0 4, -3 2 4, और +4। ओके दोस्तों, अभी पिच के बाद हमारी नेक्स्ट सेटिंग रहती है डीके। सो डीके देख लेते हैं, यहां से शुरू करते हैं, यहां रहेगा -1 31 15, -5 +1 0 15 16। डीके के बाद हमारी नेक्स्ट सेटिंग रहती है पैन। सो दोस्तों, बैंक बी के लिए पैन सेटिंग, सारे इंस्ट्रूमेंट में हमें सेंटर रखना है। बैंक ए में दो इंस्ट्रूमेंट थे जहां हमें प्री डिले का यूज़ करना था तो वहां मैंने L7 यूज़ किया है, लेकिन बैंक बी में सारे इंस्ट्रूमेंट सेंटर ही रखना है। कर्व, तो कर्व की सेटिंग भी यहां EXP4 ही रखनी है। सो ये चीज़ का भी आप ध्यान रखें बैंक बी के लिए। और FX सेंड देख लेते हैं, तो FX सेंड 0 0 15 11 0 0 0 0। सो दोस्तों, यहां बैंक बी के लिए भी साउंड पैरामीटर की सेटिंग खत्म होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं FX यूटिलिटी। सो दोस्तों, FX यूटिलिटी में हमें डिले रखना है डिले 1। FX टाइप रहेगा हमारा डिले 1, FX टाइम रहेगा 13। सो दोस्तों, यहां ओरिजिनल सॉन्ग के टेम्पो में मैंने यहां FX टाइम सेट किया है। सो आपको रखना है 13। FX लेवल रहेगा 15। EQ कॉम्प्रेसर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेम आप यहां से चेंज कर सकते हैं।
सो दोस्तों हमारा पैच यहाँ रेडी हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसे कैसे बजाना है। सो दोस्तों सॉन्ग की स्टार्टिंग में कुछ मरक्कस और हाई हैट का कुछ कॉम्बिनेशन बजा है। यहाँ दोस्तों ये पैटर्न बजाने के लिए आपको एफएक्स ऑफ रखना है। ध्यान रखें कि क्योंकि आप एफएक्स ऑन रखोगे तो मरक्कस का जो डिले पैटर्न है वो भी साथ में बजेगा, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। सो हमें पहले एफएक्स ऑफ रखना है, उसके बाद ये पैटर्न बजाना है जो गिटार का पैटर्न बजता है उसके साथ। और उसके बाद अपने लेफ्ट हैंड से आपको ये एफएक्स ऑन करना है और उसके साथ एक पैटर्न बजता है किक का। सो किक का पैटर्न कुछ इस तरह रहता है। आप सुनोगे ध्यान से तो आपको भी पता चल जाएगा कि किक का पैटर्न कुछ इस तरह बजा है। और किक के साथ एक टॉम का इंस्ट्रूमेंट बजता है। सो वो कैसे बजता है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सॉन्ग को बहुत अच्छा बनाती है। सो आपको ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेगी। सो दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए पहले कैसे रहता है। सो गिटार का पैटर्न जब बजता है तब आपको इस तरह बजाना है। सो आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद मेन लाइन आती है गाने की, उसमें आप मरक्कस बजा सकते हैं और अपने क्लैप के साउंड के साथ ये गाना शुरू होता है। सो आपको ये पैटर्न कैसे बजाना है, सो आपके राइट हैंड से ये कंटिन्यूसली पैटर्न रहेगा। वन टू वन टू वन टू वन टू, और आपके जो लेफ्ट हैंड से आपको जो बाएं की पैटर्न है वो बजानी है। तो इसको साथ में बजाते हैं। और उसका कट पिकअप, तेरे बिना नहीं लगता दिल मेरा, ये जो गाने की लाइन है उसमें एक कट पिकअप बजता है। सो उसमें क्लैप को ऑफ बीट में बजा के बीट में आना है। सो वो कैसे रहेगा, अपना बीट रहेगा इस तरह। सो आपको इसको ऑफ बीट में उठाना है, तो ऑफ बीट में कैसे रहेगा, तो वन टू, ये ऑफ बीट रहेगा। हमारा बीट कौन सा रहता है, वन टू। सो हमें ऑफ बीट में कैसे बजाना है कि वन टू। सो ये पैटर्न कुछ इस तरह रहता है, वन टू, ओके, वन टू, वन टू, इस तरह ये पैटर्न बजता है। ये गाने में बहुत सी जगहों पर ये पैटर्न बजा है। सो आपको ये पैटर्न
सीखना ही पड़ेगा। सो एक बार मैं रिदम के साथ आपको बताता हूँ। ये हमारा कट पिकअप रहता है और दूसरा कट पिकअप कुछ इस तरह रहता है, 1 2। पहला कट पिकअप कुछ इस तरह था, 1 2 3 1 2। ओके, और दूसरा पैटर्न कुछ इस तरह है, फिर डायरेक्टली ये पैटर्न चालू हो जाती है। आप गाने को जितनी बार सुनोगे उतनी बार आपको उसमें से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। यहाँ दोस्तों मैंने जो भी पैटर्न बजी है उसको एक ही पैच में सेट कर दिया है। सो आपको ये पैच कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।